हे गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हॉलीवुड की 10 हिंदी डब फिल्मों के बारे में। इसमें हमने कुछ टीवी सीरीज को भी लिया है, तो ये फ्रीली आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहां से आप इनको देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस सीरीज़ के अभी तक आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हमने वांडा विजन जैसी टीवी सीरीज़ को भी लिया है, तो इसलिए वीडियो पर आगे तक बने रहना ये जानने के लिए कि कौन से नंबर पर कौन सी फिल्म है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है किंग्समैन गोल्डन सर्कल। दोस्तों, मूवी 2017 में आई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 आवर 21 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.7 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में किंग्समैन एजेंट के हेडक्वार्टर पर हमला होता है। उसमें से बच्चे कुछ एजेंट ड्रग कार्टल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो पकड़ पाते नहीं। ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर आपको एजेंट वाली फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा आएगी। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर एक नहीं बल्कि दो फिल्में आती है क्रैंक। दोस्तों, क्रैंक एक फिल्म सीरीज है जिसमें दो पार्ट हैं और दोनों फिल्मों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस फिल्म सीरीज के बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर आपको एक कॉमेडी फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को जरूर देखना। पर्सनली बताऊं तो जब मैंने इस फिल्म को देखा था तो इस फिल्म में एक मिनट के लिए मेरी हंसी नहीं रुकी थी। सच में काफ़ी अच्छी कॉमेडी फिल्म है। तो दोनों फिल्में काफ़ी अच्छी हैं, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप इन फिल्मों को जरूर देखना। इन फिल्मों में आपको एक्शन के साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है किक एस। दोस्तों, ये मूवी 2010 में आई थी। एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 57 मिनट। गाइज, काफ़ी अच्छी कॉमेडी मूवी है। मैं आपको बता दूँ, इस फिल्म के सेकंड पार्ट का लिंक मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था। तो आपको इस फिल्म का सेकंड पार्ट देखना तो आप लिंक मेरी पिछली वीडियो से ले सकते हो। बात अगर इस फिल्म की करूँ तो इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैंने आपको 8 नंबर पर दे दिया है। इस अगर आपको सुपर हीरो फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इस फिल्म में आपको एक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है फैब्रिकेटेड स्ट्री। दोस्तों, मूवी 2017 में आई थी। एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 आवर 6 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.9 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में एक गेमर की स्टोरी है जिस पर मर्डर का केस लग जाता है। वह उससे कैसे निपटता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर आपको चाइनीज फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इस फिल्म को रैंक भी काफ़ी अच्छी मिली हुई है और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 7वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है हॉस्टल। दोस्तों, मूवी 2005 में आई थी। एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 35 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.4 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में 3 फ्रेंड एक व्यक्ति से मिलते हैं जो उन्हें हॉस्टल ले जाता है, लेकिन वहां पर वो एक प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। अब कौन सी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। गाइस, ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 6वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है टेड। दोस्तों, मूवी 2012 में आई थी। कॉमेडी फैंटेसी मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 52 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.9 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में जॉन की इच्छा तब पूरी होती है जब उसके टेडी बियर में जान आ जाती है। तो काफ़ी अच्छी मूवी है इस फिल्म में। उसके बाद क्या होता है जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। आपको इस फिल्म में कॉमेडी और वैसे सीन भी देखने को मिल जाएंगे। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 5वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है मैलेफिसेंट 2। दोस्तों, मूवी 2019 में आई थी। एक फेरी टेल एक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 58 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.6 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म के बारे में जितना कम उतना ही कम है। अगर आपको फेरी टेल या फिर फैंटेसी फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस फिल्म को आप जरूर देखना। अगर आपको इस फिल्म का पार्ट 1 भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी मिल जाएगी और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है पेन एंड गेन। दोस्तों, मूवी 2013 में आई थी। एक्शन क्राइम मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 आवर 9 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.4 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में 3 फ्रेंड की स्टोरी है जो रुपए के लिए एक बिजनेसमैन को किडनैप करते हैं। उसके बाद इस फिल्म में क्या होता है जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। गाइस, पर्सनली बताऊं तो ये फिल्म मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप और फिल्मों को देखो या ना देखो, बट इस फिल्म को जरूर देखना। इस लिस्ट में 2रे नंबर पर आती है
मेरी फेवरेट टीवी सीरीज में से एक वांडा विजन। दोस्तों ये टीवी सीरीज 2021 में आई थी और 2021 की मेरी बेस्ट टीवी सीरीज रही है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, आप प्लीज़ इस टीवी सीरीज को ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी टीवी सीरीज है। मेरे को तो ये टीवी सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इस टीवी सीरीज में सिर्फ एक ही सीजन है। अगर आपको मार्वल की फिल्म देखना पसंद है या फिर सुपर हीरो फिल्म देखना पसंद है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है दी आउटपोस्ट। दोस्तों आउटपोस्ट के पिछले वीडियो में मैंने आपको सीजन 1 के कंप्लीट एपिसोड के लिंक प्रोवाइड कर दिए, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ इसका सीजन 2। तो सीजन 2 के मैं आपको पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें एपिसोड के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एपिसोड के लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं वाइकिंग की। सो गाइज मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको सीजन वाइकिंग के सीजन 1 कंप्लीट एपिसोड के लिंक प्रोवाइड कर दिए थे, लेकिन वो मैंने एक ही प्लेलिस्ट वाले लिंक दिए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इन एपिसोड के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर दे दूंगा। एक एपिसोड की एक प्लेलिस्ट, दूसरे एपिसोड की दूसरी प्लेलिस्ट। तो ऐसे मैं आपको 6 एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इनको इजीली देख सकते हो। सो आज की इस वीडियो में इतना। इस सीरीज का भी और भी पार्ट्स आएंगे, वो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।